गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोक कर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तभी उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वही का वही रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु का उपदेश का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? ऐसी और भी इंस्पिरेशनल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।